बिहार में बाढ़ की चपेट में अब मुजफ्फरनगर भी आ गया है। दो दिन पहले शोहरी के रजवाड़ा में बांध टूटने के बाद मुशहरी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पानी के तेज बहाव ने मुशहरी थाने को भी अपनी चपेटे में ले लिया है। मुशहरी PHC में घुटने भर पानी के बीच डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। ओडी में पानी है, OPD में पानी है, दवा का चैम्बर जहाँ हम लोग बात करते वहाँ भी पानी है, और लेकिन नरकीय स्थिति कहा जा सकता है उसको, महामारी फैलने की खतरा भी फैला हो रहा है। यहाँ क्या यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अब मरीज तो इसमें बीमारी हो ही सकता है, हो ही रहा है, तो हम लोग मरीज को जरूरी सुविधा हम दे सकते हैं अपने लेवल से, वो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इमरजेंसी के जो भी मरीज आ रहे हैं उनको हम लोग सदर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की शिकायत ये है कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। यहां तक कि बाढ़ में फंसे लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। आज से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अनाज विनाज सब दह गया, खाने के लिए बहुत दिक्कत है और निकलने के लिए नहीं है कोई साधन, अभी तक कोई प्रशासन नहीं कुछ सुन रहे हैं। मवेशी भी बहुत बुरी हाल है, कहीं से प्रशासन की तरफ ना अभी कोई अति नहीं हुआ है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि अभी तक तो कुछ नहीं है, हम लोग अभी फंसे हुए हैं पानी के बीच में, निकलने कोई साधन नहीं है। वहीं DM धर्मेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मदद मुहैया कराई जा रही है। मुशहरी की 8 पंचायतें अभी प्रभावित हुई, लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है और कैंप में रह करके सभी व्यवस्था को उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग कुछ अभी भी घरों में फंसे हुए हैं या फिर कहीं कहीं हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए मोटर बोट्स रेडी हैं, DRF और SDRF की टीम है, लगातार ये लोग कार्य कर रहे हैं। बाढ़ से लोग परेशान हैं और जिला प्रशासन केवल बढ़ चढ़कर दावे करने में लगा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाए। पंजाब केसरी TV के लिए मुजफ्फरनगर से रेखा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।